while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and... Hello friends, welcome Cookeria channel. हमारी आज की डिश है स्टीम स्प्राउट। ये अंकुरित अनाज से हमने ये सब्जी बन तैयार की है। ये बेहद पौष्टिक, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है। इसे हम फ्राई करने के बजाय स्टीम कर रहे हैं ताकि इसके नेचुरल टेस्ट और विटामिन्स बने रहें। तो आइए देखिए, इसका सामग्री देखिए और इसे बनाने की विधि देखिए। तो फ्रेंड्स, स्टीम स्प्राउट बनाने की सामग्री देखिए। पहले कुछ स्प्राउटी अनाज जैसे मूंग, चना, मसूर और भी कई प्रकार के आप अनाज ले सकते हैं, या किसी एक अनाज से भी आप स्टीम स्प्राउट बना सकते हैं। दही, कर्ड, वेजिटेबल ऑयल, कोरिएंडर लीव, धनिया और हरी मिर्च हमने इसे बारीक काट लिया है, सॉल्ट, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, हींग, चुटकी भर हींग चाहिए हमें इसको बनाने के लिए, जीरा, अनियन, प्याज, एक मध्यम आकार का प्याज हमने कट किया है। सामग्रियों से हम आपको स्प्राउट बनाना बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जो अनाज हमने लिए हैं, अंकुरित अनाज, इनको हम ये देखिए कितने अच्छे उग चुके हैं। इन्हें हम आपको बहुत आसानी से अंकुरण करना बताते हैं। अनाज को अंकुरण करने के लिए हमें पहले एक स्टील का बाउल लें, उसमें ये जो सूखा अनाज है, ये हमने मूंग लिया है, इस प्रकार से मूंग को पानी में अच्छी तरह से भिगोना है हमें। लगभग 10 या 12 घंटे के लिए हमें इसको पानी में भिगोना है। रात को जब हम पानी में इसको भिगो के रखेंगे तो दूसरे दिन तक ये बहुत अच्छी तरह से फूल कर बड़ा हो जाएगा। अनाज के पानी में भीग जाने के बाद हम एक वाइट कपड़ा लें और इस कपड़े के अंदर इस पूरे अनाज को एक हमें ये जो कपड़ा है एक गीला कपड़ा लेना है। इस प्रकार से गीले कपड़े अच्छी तरह से बांधकर हमें लगभग 2 दिनों तक बंधा पानी में बंधा रहना चाहिए। 2 दिन तक बंधने के बाद ये ऑटोमेटिकली उग जाता है और उगने के बाद इस प्रकार से ये देखिए अंकुरित हो जाएगा। ये किसी अनाज को 2 दिन या किसी को 3 दिन भी लग सकते हैं। 3 दिन में उगने के बाद ये इस प्रकार से हो जाता है। ये उगा हुआ अनाज विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है। अब इस स्प्राउट को हम स्टीम करना आपको बताते हैं। बेहद आसान तरीके से हम आपको कुकर में इसको स्टीम करना बताते हैं। अब एक गीले कपड़े में, कॉटन या कोई सा भी आप गीला कपड़ा ले लें, एक गीले कपड़े में ये सभी अनाज हम इसमें डाल देते हैं। ये मसूर है अंकुरित, इसके अंदर आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। नमक डालने के बाद ये जो प्याज है इसमें से हम आधी प्याज इसमें डाल रहे हैं, बाकी की हम इसमें बाद में डालेंगे, थोड़ी सी प्याज। और ये जो वेजिटेबल ऑयल है, थोड़ा सा वेजिटेबल हम ऑयल डाल रहे हैं इसमें, ये कच्चा ही ऑयल है। इन तीनों सामग्रियों को लेकर हम इसको इस प्रकार से कपड़े को बांध देते हैं। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे स्टीम करेंगे। अब ये स्टीम होने के लिए तैयार है। अब हम आपको बताते हैं कुकर में से किस प्रकार से स्टीम करना है। अब एक कुकर में
गैस पर रख कर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इस प्रकार से पानी डालने के बाद एक लोहे की या स्टील की रिंग आप इस प्रकार से रख लें, और इसमें हम रखते हैं एक बाउल, बाउल के ऊपर ये जो हमने अंकुरित अनाज है इसकी पोटली हम इसमें इस प्रकार से रख देते हैं ताकि इसमें पानी भी ना जाए और ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। लगा दें, अब इसको 2 सीटी आने तक हमें कुकर को बंद रखना है। लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ये स्टीम हो जाएगा। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, 2 सीटियां भी आ चुकी है। हमें लगभग इसको 4 सीटी आने तक, 3 या 4 सीटी आने तक इसे स्टीम करना है। अभी स्टीम हो चुका है, ये कुकर हम इसमें से हटा देते हैं। और हमें ये जो कर्ड दही लिया था हमने, इस दही को तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए पहले एक बड़ी चम्मच में हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं। ये देखिए, एक टेबल स्पून ऑयल, इसको इस प्रकार से गर्म होने करते हैं इसको। अभी ऑयल गर्म हो चुका है, अब इस गर्म ऑयल के अंदर हम डालते हैं पहले जीरा, थोड़ा सा जीरा, जीरा के बाद इसमें डाल दें थोड़ी सी हींग चुटकी भर। हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली, जो हमने बारीक हरी मिर्च काटी थी, ये देखिए अभी हरी मिर्च थोड़ी नरम हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल दें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और इन सभी सामग्रियों को इस प्रकार से मिलाकर ये सभी सामग्री हम, ये जो दही हमने बनाया था, ये फेटा हुआ दही है, इसके अंदर ये डाल देते हैं। अब इसमें हमें डालना थोड़ा सा सॉल्ट, सब सामग्री डालने के बाद इसको इस प्रकार से हम दही को तैयार कर लेते हैं। अब यही दही को हम यूज में लेंगे। देखिए ये जो अंकुरित अनाज थे ये पूरी अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। अब इसको तैयार करने के लिए हम इसमें डालेंगे ये जो दही कर्ड हमने तैयार किया था फ्राई करके, ये फ्राइड कर्ड इसके अंदर डाल देते हैं। और इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल दें, और इसमें ऊपर से थोड़ा सा ये जो प्याज हमने काट के रखा था वो प्याज डाल दें और इसे मिला लें। अब इसमें हमें डालना है कोरिएंडर लीव, स्टीम स्प्राउट हमारा बनकर तैयार है। इसे घर पर जरूर ट्राई करें। धन्यवाद। इसी प्रकार से देखते रहिए हमारा चैनल कुकेरिया। हमारे चैनल कुकेरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।